बोले नमः शिवाय। केदारनाथ में दीपावली, जी हाँ, करीब 1.5 साल पहले जहां कुदरत ने कहर ढा दिया था, जिस शिव की नगरी को तबाह कर दिया था, आज वहां फिर दिया जलाया गया। दीपावली से पहले दीप पूजन हुआ केदारनाथ में। इस पूजा के दौरान आज तक की टीम मौजूद थी। कुदरत के कहर से बर्बाद हो चुके केदारनाथ के धाम में एक बार फिर से खुशियों के दीप जले हैं। एक बार फिर बाबा के दरबार में दीपों की पूजा हुई है। एक बार फिर बाबा के चरणों में प्रकाश अर्पित किया गया है। इस मौके पर आज तक की टीम खास तौर पर मौजूद थी केदारनाथ धाम में। दीपावली से पहले केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के लिए उत्तराखंड सरकार के कई नुमाइंदे मौजूद थे। इसके अलावा स्वामी रामदेव भी अपने पूरे दलबल के साथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। करीब 1.5 साल के बाद केदारनाथ में दिवाली मनाई जा रही है और खुद बाबा रामदेव यहाँ पे पहुंचे और जगह जगह से लोग यहाँ पे पहुंचे दिवाली मनाने के लिए। यहाँ का नजारा कुछ बदला हुआ केदारनाथ का। 1.5 साल पहले कुछ और मंजर थी, आप देख सकते हैं हवन किया जा रहा है उससे पहले केदारनाथ के अंदर, और बाबा रामदेव खुद यहाँ मौजूद है, आचार्य बालकृष्ण यहाँ मौजूद। बाबा जी, हवन किया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। ये मेरे जीवन की पहली दिवाली है भगवान केदारनाथ के चरणों में और उखी मठ में। इसके बाद अब पूजा शुरू होगी भैया दूज के बाद से। और आदरणीय हरीश रावत जी ने मुझे खुद पहल करके बोला कि बाबा जी आप खुद जा करके अभी केदारनाथ भगवान का पूजन करें, राष्ट्र के मंगल के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, राष्ट्र में सुख समृद्धि शांति हो और यहाँ जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिले। विद्वानों और पंडितों की पूरी टोली ने मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ के दरबार में स्तुति गान किया। इस दौरान उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की गई जिनकी जान यहां हादसे में चली गई थी। केदारनाथ धाम में पूजा पाठ के साथ साथ यहां की स्थिति सुधारने की भी कोशिश हो रही है। धीरे धीरे ही सही फिर से आबाद हो रही है शिव की ये पावन नगरी। यहाँ पे कुछ और नज़ारा था जब 1.5 साल पहले यहाँ त्रासदी हुई थी। यहाँ पे मार्केट हुआ करती थी, यहाँ पे पूरे बाजार लगा करते थे, लाखों लोग आए करते थे। लेकिन खास बात यह है कि अब जो है 1.5 साल के भीतर 40,000 के करीब लोग यहाँ पहुँचे हैं। संख्या काफ़ी कम हो गई लोगों की, पहुँचने वालों की, लेकिन श्रद्धा है लोगों की, धीरे धीरे करके लोग यहाँ पहुँचने लगे। करीब 1.5 साल पहले हिमालय से आए सैलाब ने पूरे केदारनाथ धाम में तबाही मचा दी थी। भगवान केदारनाथ के मंदिर को छोड़कर सब कुछ बर्बाद हो गया था। सरकार पूरी तरह से कोशिश में है कि केदारनाथ धाम को फिर से उसके मूल स्वरूप में लाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, आपकी मदद मांगे कि आप उत्तराखंड जो केदारनाथ यात्रा थी दोबारा से जो जो सुविधा यहाँ करनी है आपकी मदद मांगे। क्या मदद मांगे? नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो भी इस तीर्थ के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो पूरी तरह से हम करेंगे। आदरणीय मोदी जी से भी हम बात करेंगे कि इस तीर्थ के विकास के लिए, चार धामों के विकास के लिए और खास करके केदारनाथ भगवान के इस धाम के विकास के लिए जो भी आदरणीय मोदी जी भी कर सकते हैं उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे और आदरणीय रावत जी के भी साथ मिलकर के जो भी हिमालय के इस गौरव के लिए, देवभूमि के गौरव के लिए, चार धामों के गौरव के लिए, केदारनाथ के इस गौरव के लिए जो भी हम कर सकते हैं पूरा करेंगे। स्वाहा। अभी रास्ता मुश्किल है, यात्रा कठिन है, फिर भी केदारनाथ धाम में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इसमें ना उम्र आड़े आती है और ना ही परिस्थितियां। बाबा आप कहां से आए हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए? इलाहाबाद से। कितने दिनों के बाद आए? जब पहली बार आए 86 साल, 85 पूरा हो गया। 85 साल की उम्र के होने के बाद पहली बार केदारनाथ आए, कैसा लग रहा है? दिवाली मनाई जा रही है, 1.5 साल त्रासदी हुई बाबा, पहली बार बहुत आनंद मिला, यानी दुनिया में समझ लीजिए कोई आनंद नहीं जैसा आनंद आज हमको यह मिला। प्रेम से दर्शन हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है। करीब 1.5 साल पहले कुदरती कहर ने इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया था।
हजारों जाने चली गई थी, लाखों बेघर हो गए थे, लेकिन तबाही के उस सैलाब पर श्रद्धा का उफान भारी है। बाबा के दरबार में भक्तों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अशोक सिंघल, केदारनाथ आज तक। केदार धाम की परिक्रमा करने का बहुत ही महत्व है, चलिए आज तक के साथ आप भी कर लीजिए शिव के इस पावन मंदिर की परिक्रमा। केदारनाथ बाबा की मंदिर की परिक्रमा का अपना महत्व, या दिवाली मनाई जा रही खास बात यह, कुछ ये देख रहे दिए जला करके परिक्रमा कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे जी। ये पहले सबसे पहले मैं तो 23 चैन ये आज तक वालों का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करूँगा कि वो लोग ये त्रासदी के बाद में हम लोगों की पहली दीपावली होगी, और मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस दीपावली में हमारे बीच में तमाम मीडिया और विश्वगुरु के रूप में जाने माने रामदेव बाबा यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को, वेद पाठियों को, मंदिर के जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे मंदिर, आज हमको बड़ी प्रसन्नता का हो रही है। और इस ये मुख्य दरवाजा है भगवान, ये दक्षिण दरवाजा है जिसके रास्ते हम भगवान केदारनाथ की पिंडी तक जाते हैं, ये मोक्षधाम में आता है। उससे जब हम आज इस त्रासदी के बाद हमारी पहली दीपावली, हम आज तक के माध्यम से तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और उन दिवंगत आत्माओं के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर गत 16 और 17 जून को आपदा में किस ओर जा रहे हैं कि हम क्या रहे हैं, ये दक्षिण दरवाजे की ओर जा रहे हैं, हम दक्षिण उत्तर दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। इसका क्या दरवाजा है? ये पश्चिम दरवाजा का अपना विशेष महत्व है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी हैं और लक्ष्मी नारायण हमारे विश्व के प्रतिपालक है, जगत करता है, जगत पालन करता है। जब त्रासदी में पूरा सभागृह जलमग्न हो गया था, उसमें हमारे तमाम भाई बंध रिश्तेदार वेद पाठी तीर्थ पुरोहित मंदिर समिति के तमाम लोग फंसे हुए थे, तब इस दक्षिण दरवाजे ने भगवान विष्णु ने हमको बचाने में बड़ी मदद की, अपने आप ये दरवाजा खुल गया था और इसमें काफी कम से कम 400-500 लोगों की लक्ष्मी द्वार है, लक्ष्मी द्वार है ये। जब त्रासदी हुई थी ये दरवाजा बंद रहता है, अपने आप एक कृपा हुई, इनका कहना है कि एक दावा करते हैं कि ये अपने आप खुल गया था। और इस मंदिर की परिक्रमा, ये पूरा केदारनाथ बाबा का मंदिर है, पूरा देख सकते हैं कि परिक्रमा पूरा, जब पूरे चारों तरफ सब द्वारों की परिक्रमा की जाती है तभी पूरी होती है, इसका एक महत्व है। और एक खास महत्व, ये हम लोग किस द्वार की तरफ जा रहे हैं अभी? मंदिर के पृष्ठ भाग में जा रहे हैं और जो जहाँ जो है आदिशक्ति की पूजा होती है, जो गर्भगृह के रूप में माना जाता है, और आदिशक्ति जो है जिसने भगवान शिव को शिव में से ये हटा दो तो सब ही रह जाता है, जिसने भगवान शिव का एक शक्ति मानी है, ये वो दरवाजा जो शक्ति द्वार के रूप में जाना जाता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जब इस मंदिर पे आदि रूप में सिला, यहाँ पर जो दिव्य सिला आपकी माध्यम से जाएंगे, आज तक के माध्यम से जाएंगे, उसने मंदिर को बचाने में दिव्य सिला यहाँ पे आई थी, दिव्य सिला यहाँ पे नहीं आई थी, दिव्य सिला जस्ट इसे 2 मीटर पीछे जो है मंदिर को सपोर्ट किया उसने, सपोर्ट किया उसने, जो यहाँ पर वो काल चक्र आया था उसको 2 भागों में बांट दिया था, जो मंदिर के पूरब और पश्चिम की द्वार के दरवाजे से निकल गया था, इसको बचाने में दिव्य आदि गुरु शंकराचार्य के बाद में समाधि के बाद में आज अब से जब तक केदारनाथ धाम रहेगा इस दिव्य शिला का भी पूजन, केदारनाथ दिव्य शिला का पूजन यहाँ लोग करने लगे हैं, पहले केदारनाथ बाबा का पूजा करते थे, लेकिन जो भी यहाँ आता है दिव्य शिला का भी पूजन होने लगा है, अधूरी मानी जाती है जब तक इस दिव्य शिला का पूजा नहीं होती है। ये दिव्य शिला वही है जो ऊपर से आकर के केदारनाथ बाबा के मंदिर के पीछे आकर के एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई थी और काफी सुरक्षा हुई थी, ये दिव्य शिला भीम शिला इसका नाम रखा गया था, यही वो शिला ऊपर से आकर के ये हुई थी। प्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो मंदिर की परिक्रमा होती थी वो पहले सिर्फ मंदिर की होती थी, लेकिन अब आज ये दिव्य शिला की वजह से इस दिव्य शिला का विशेष महत्व हो गया है, क्योंकि इसने पूरे मंदिर को जो सब आपदा आई थी उस दौरान इसने बहुत सारे लोगों को बचाया और मंदिर को मुख्य बचाने का कारण ये दिव्य शिला है। तब से यहीं पे है, मंदिर को अधूरी परिक्रमा करके पहले दिव्य शिला की पूजा की जाती है फिर पूरी परिक्रमा की जाती है, तो बिना दिव्य शिला के मंदिर पूरा नहीं है। ये बिल्कुल दिव्य शिला की पूजा की जाती है, उसके बिना
अधूरी मानी जाती है परिक्रमा, पहले मंदिर की परिक्रमा होती थी, अब इस दिव्य शिला की परिक्रमा में होने लगी है। हम आगे चलते हैं इस पूरे मंदिर के दूसरे द्वार पर, बिल्कुल पूर्वोत्तर द्वार है, बिल्कुल देख सकते हैं कि ये पूरा जो काफी हिस्सा इसका दिव्य शिला की पूजा करने के बाद यहाँ पे एक अलग से पड़ाव बना दी गया दिव्य शिला का। और आप देख सकते हैं कि हम अब किस ओर जा रहे हैं पंडित जी? हम अब पूरब की ओर जा रहे हैं, ये पूरब पूरब द्वार इसको बोलते हैं, और ये द्वार जो है मोक्ष का द्वार है। यही क्या महत्व है? ये अपने आप में मोक्ष दरवाजा माना जाता है, जिसको पांडव लोग जो जब उन्होंने गर्भगृह बनाया था और परीक्षित ने सभागृह बनाया था, तो परीक्षित कौन सा द्वार है? ये पूरब दरवाजा है, और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस दरवाजे से जो बाहर निकलता है। बिल्कुल, ये पूरब का द्वार है, यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसका भी एक परिक्रमा के तहत इस द्वार पे भी मोक्ष द्वार मानते हुए इसकी एक परिक्रमा की जाती है, पूजा की जाती है। इस मोक्ष द्वार का अपने आप में विशेष महत्व है, जब भी पांडव लोग यहाँ से गए थे उनको मोक्ष की प्राप्ति आती होती है। जो भी हमारे हिंदुस्तान का तीर्थ यात्री यहाँ पर आता था, भगवान की पूजा पाठ करने के बाद इस दरवाजे से जैसे बाहर निकलता था, उसे आत्म शांति, उसके पापों का निवारण हो जाता था, पाप मिट जाते थे। ये धाम इसी के लिए है, पापो हम पाप कर्माणाम पापात्मा पाप संभव त्रयमान केदारनाथ सर्व पापो हरो भव, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस दुर्लभ धाम है, दुर्लभो मनुष्यो देही नाम छड़ो तत्ता दुर्लभो मन्यन्ते भो वैकुंठो। आज वो देशवासी भी धन्य है जो केदारनाथ नहीं आए और आज तक के माध्यम से इस केदारपुरी की दीपावली में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्वी द्वार के बाद कौन सा है? मुख्य द्वार आ जाता है, मुख्य दरवाजा आ जाता है, जहाँ पर भगवान शंकर के हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है, आदि गण सब विराजमान है, और बिना सब के पांव छुए हुए इस दरवाजे को पूरा नहीं, इस परिक्रमा को पूरा नहीं माना जाता है। अब हम पहुंच गए आपके मुख्य दरवाजे में, दरवाजे पे नंदी का अपना आप विशेष महत्व है। इस मंदिर को बचाने में नंदी ने भी बड़ी मदद की है, और भगवान के आगे डटे रहे, भगवान के मंदिर को हिलने नहीं दिया। केदारनाथ में दीप पूजन के दौरान खास तौर पर मौजूद थे स्वामी रामदेव। उनका कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निवेदन पर वो पहुंचे थे। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। देखिए, यहाँ पे दिवाली मनाई गई, डेढ़ साल के बाद बाबा रामदेव खुद दिवाली मनाने पहुंचे, दिया जलाया उन्होंने, नंदी जो केदारनाथ का मंदिर है मुख्य द्वार है। बाबा जी बताइए, डेढ़ साल के बाद दिवाली, दिया जलाया आपने, कैसा लग रहा है कि रौनक लौट आई है? हालांकि उतनी संख्या में लोग नहीं आए, लेकिन एक शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है, जो रास्ता 14 किलोमीटर का करीब टूट चुका था वो अब करीब 22 किलोमीटर का रास्ता बन चुका है। यद्यपि इस रास्ते में काफ़ी अभी भी कठिनाइयां हैं, तीर्थयात्रियों को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन आप आए थे कि थोड़ा बताइए यहाँ क्या कैसे था और अब क्या चीज़ें हो गई हैं? देखिए, उस समय हम आए यहाँ पर, हमने पतंजलि सेवाश्रम भी स्थापित किया, जो तीर्थ पुरोहित हैं और जो यहाँ खच्चर चलाने वाले हैं, साधारण लोग हैं, उनके बच्चे जो अनाथ हो गए थे उनके लिए हमने विद्यालय भी बनाया यहाँ। उस समय पूरा जो है चारों तरफ एक तरह से मौत का मातम था, और त्रासदी के कारण से जो तीर्थयात्री थे उनके शव चारों ओर बिखरे हुए थे, क्षत विक्षत थे। आज यहाँ आकर के लग रहा है कि अब निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, करीब 22 किलोमीटर का रास्ता भी बना है। तो आगे भी हम आदरणीय हरीश रावत जी से बात करेंगे, आदरणीय मोदी जी से बात करेंगे, और बात करके इस तीर्थ का जो तीर्थत्व है वो दोबारा से लौटे और केदारनाथ भगवान की वही गौरव गरिमा पुनः प्रतिष्ठापित हो, इसके लिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस पुनर्निर्माण के काम को, इस तीर्थ की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए, एक निर्भयता का वातावरण देश में बनाने के लिए, और यहाँ जो भी आवश्यकताएं उसमें अपनी पूरी शक्ति ऊर्जा लगाकर किस काम को हम आगे बढ़ाएं। काले धन की आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बाबा, काला धन कब आएगा? आपने एक मुहिम छेड़ी थी बाबा। देखो, दीपावली प्रकाश का पर्व है, उसके साथ साथ लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, तो लक्ष्मी पूजा में हम खाली फोटो की पूजा करते रहते हैं और लक्ष्मी शीश बैंकों में जमा हो गई है या जो काले कारनामे करने वाले उनके खजानों में जमा है। तो हिंदुस्तान में भी जो काला धन है करीब 900 लाख करोड़ रुपये, करीब 100 लाख करोड़ रुपये, जो बार 1000 लाख करोड़ रुपये, माने अमेरिका की अर्थव्यवस्था से करीब 1.5 गुना ही काला धन जमा हो गया। अभी भी नित नए भ्रष्टाचार उनके कारण से
पूरे 125 करोड़ लोगों का हक मारा जा रहा है। तो काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन, इन तीन मुद्दों के लिए भी काम करेंगे और पूरा देश दीपावली पर सच्चे अर्थों में लक्ष्मी पूजा कर सके, ऐसा वातावरण बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास लेकिन है। ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, 40,000 के करीब लोग आ पाए हैं 1.5 साल में, पहले लाखों लोग आया करते थे। आपको लगता था कि और लोग आ पाएंगे उसी रफ्तार से, जिंदगी फिर लौटेगी यहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने लोग पहुँचेंगे? वक्त तो किसी काम में लगता है, लेकिन अब एक तरफ से हमें वातावरण भी बनाना पड़ेगा निर्भयता का, और दूसरी तरफ तीर्थ के पुनरुद्धार के लिए जितने भी काम करने अपेक्षित हैं उनको भी और गति देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा यहाँ पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके निष्पक्ष भाव से, क्योंकि भगवान सबके हैं, केदारनाथ धाम सबका है, धर्म सबका है, और धर्म अध्यात्म और संस्कृति जब हमारी एक साझी विरासत है, तो हम आदरणीय हरीश रावत जी ने जो पहल की है कि बाबा जी दीपावली के शुभ पर्व पर एक शुभ काम किया जाए, आप खुद जाएं और भगवान केदारनाथ में पूजन करके आएँ, उसके बाद क्योंकि ऊखी मठ में पूजा होगी तो हम खुद यहाँ पर आए हैं और पूजा अर्चना की है, राष्ट्र के मंगल की प्रार्थना की है, दिवंगत आत्माओं के लिए भी हमने यहाँ पर प्रार्थना की, उनको श्रद्धांजलि दी है। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय हरीश रावत जी और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से खुद मिलेंगे, आदरणीय मोदी जी मिलकर के इस तीर्थ के तीर्थत्व को जरूर लौटाएंगे। बिल्कुल, ये 1.5 साल के बाद दिवाली मनाई है केदारनाथ में और हम पहुंचे तमाम लोगों के साथ दिवाली मनाने यहाँ केदारनाथ बाबा के मंदिर में, और लोग यहाँ जगह जगह से पहुंचे हैं और दिवाली के दिए जलाने के लिए, ताकि जो 1.5 साल बाद जो ट्रेजडी हुई थी उससे उभर करके और आगे बढ़ा जाए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, केदारनाथ।